जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं भाई टाइगर 3 के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो गाइस टाइम 14-15 दिन रह गए हैं भाई यहाँ पे जवान को नहीं टाइगर 3 को भाई आने के लिए। तो देखेंगे भाई ओवरसीज में एडवांस कितना हो चुका है अभी तक, क्या भाई 100K पार डॉलर गाइस अभी गया है या फिर नहीं, और कंपैरिजन देखेंगे भाई जवान वर्सेस पठान क्या कोई इर्द गिर्द भी है या फिर काफ़ी पीछे है गाइस वो रह गई है। तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि यार एपिसोड काफ़ी लंबा हो जाएगा और कंट्रीज वाइज भाई बताना है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे गल्फ़ के अंदर देख लेते हैं भाई कितना एडवांस हुआ है। तो UAE में लगभग भाई 16K US डॉलर, देखो भाई लास्ट में हम इंडियन रुपीस करके बताएंगे, UAE में 16K US डॉलर और लगभग 1360 टिकट्स यहाँ पे बिक चुके हैं और 390 शोज हैं, जो कि सऊदी अरबिया में लगभग 6000 US डॉलर, देखो यूएस डॉलर इसलिए करके क्योंकि इजीली रहता है भाई बाद में इंडियन रुपीज़ करना, और 401 टिकट्स बिके और 137 शोज हैं, और ओमन में लगभग 2.5K US डॉलर यानी कि भाई 2500 के आसपास और 187 टिकट्स बिके और यहाँ पे 82 शोज हैं, जो कि बाहरीन लगभग 76 डॉलर ओनली फॉर 76 डॉलर, जो कि यहाँ पे 6 टिकट्स है गाइस वो बिके और 16 शोज हैं, जो कि टोटल गाइस यूएई हो गया और गल्फ हो गया भाई लगभग 25K US डॉलर 25,000 भाई यूएस डॉलर यहाँ पे एडवांस है वो हुआ है और 92 लोकेशन में ओपन हुआ और 624 शोज है और 1953 टिकट्स हैं गाइस यहाँ पे बिके हैं, ऑलमोस्ट 2000 टिकट्स क्लोज है गल्फ के अंदर यूएई एंड गल्फ, ठीक है। क्योंकि देखा जाए गाइस अब इतना ज्यादा भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है, आप यार इसको थोड़ा एवरेज पकड़ लो अभी के टाइम, देखते हैं अभी जैसे जैसे डिजिटल क्लोज आ रही है तो भाई रफ्तार और पकड़ेगी। अब बात करते हैं भाई यूएस रिगल थिएटर 15,000 US डॉलर एडवांस हुआ और 901 टिकट्स बिके और 502 टोटल शोज हैं, और एएमसी में 14,000 US डॉलर 755 टिकट्स बिके और 154 शोज हैं टोटल, जो कि सिनेमार्क में 6,000 US डॉलर 454 टिकट्स बिके और 365 शोज हैं, और वर्जन वाइज देखूं तो 2D का 22,000 US डॉलर और 1550 टिकट्स बिके और 1100 शोज हैं पूरे यूएसए के अंदर, जो कि आईमैक्स वर्जन 12,000 US डॉलर और 587 टिकट्स बिके हैं। ये देख रहा अच्छा लगा कि भाई आईमैक्स वर्जन भी अच्छा खासा स्ट्रांग दिख रहा है भाई यूएसए में, जो कि टोटल एडवांस हुआ है 35,000 US डॉलर USA, जो कि लोकेशन है 353 लोकेशन में ओपन है, और टोटल शोज काउंट है 1141 टिकट्स बिके हैं गाइस लगभग 2238 टिकट्स बिके हैं बाकी टोटल भाई USA के अंदर, ठीक है। ये कुछ रहा भाई गल्फ का UAE एंड गल्फ एंड USA का कुछ डिटेल्स के साथ। अब टोटल नंबर्स देखने हैं भाई, USA 35,000 US डॉलर, ठीक है, UK एंड आयरलैंड 34,000 US डॉलर, याद रखना भाई यूएस डॉलर करके बता रहे क्योंकि बाद में इंडियन रुपीस करना यार इजिली रहता है, और UAE एंड गल्फ में 25,000 US डॉलर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 8,000 US डॉलर, और इन सभी को ऐड करूँगा तो ये होता है 102 US डॉलर यहाँ पे लगभग भाई 1,02,000 सभी को ऐड करें भाई इंडियन रुपीज़ में देखूँगा तो लगभग 84 से लेकर 85 लाख के आसपास है, मतलब 84 लाख का एडवांस अभी तक कर चुकी है भाई टाइगर 3 ओवरसीज में, जो मैंने आप सभी को भाई कंट्रीज बताया। अगर इसी टाइम में देखूँ जवान और पठान का भाई, जवान लगभग भाई 14-15 दिन रहते गाइस लगभग भाई 200K पार गाइस वो जा चुकी थी, जो कि पठान गाइस 160K के आसपास थी, या अभी क्लियर नहीं है लेकिन 160 के आसपास थी 160K US डॉलर। कंपैरिजन करोगे भाई तो ये जवान पठान दोनों काफ़ी आगे थी कंपैरिजन टू टाइगर 3, और टाइगर का अभी लेट एडवांस ओपन हुआ, पठान का काफ़ी पहले हुआ था, जवान का भी लेट ही ओपन हुआ था, और जवान स्टार्टिंग से ही अच्छी खासी रफ्तार है गाइस वो पकड़ ली थी। देखो भाई यहाँ पे शाहरुख खान को एक एडवांटेज भी था क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक पठान अच्छा खासा धमाका कर चुकी थी ऑलरेडी ओवरसीज में, चाहे फिर डोमेस्टिक क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे गाइस सलमान खान अभी कमबैक कर रहे हैं, उनकी ये कमबैक वाली पिक्चर है तो काफ़ी टाइम हो गया भाई उनकी कोई पिक्चर ना चले हुए, मतलब कोविड के बाद अब कोई फॉर्म में नहीं है वो 3-4 साल हो गए, तो अब थोड़ा टाइम लगेगा भाई और नेक्स्ट आएगी फिर क्या पता वो भी गाइस इस तरह रफ्तार है गाइस पकड़ सकते हैं। हम सभी को पता है कि भाई सल्लू भाई का भी अच्छा खासा स्टार्डम है ओवरसीज में भी, और जिस तरह गाइस अभी एडवांस चल रहा है तो इसको देखकर गाइस यही लगता है भाई उम्मीद तो काफ़ी ज़्यादा थी भाई स्टार्टिंग से कि हाँ भाई 40 करोड़ के आसपास ही ओवरसीज से आ सकता है पहले दिन, बट अभी जो एडवांस चल रहा है इसे देखकर यही लगता है कि भाई 20-25 बड़ी मुश्किल से, अब देखते हैं अभी अच्छा खासा टाइम है भाई 14-15 दिन काफ़ी ज़्यादा दिन रहते हैं भाई, तो अगर इसमें अच्छा खासा एडवांस हो गया तो भाई 30 करोड़ से मामला ज़्यादा भी जा सकता है। बाकी इसमें भाई आप सभी का क्या कहना है बताना कमेंट सेक्शन में, और बाकी भाई सब भी कह दो इतना ही, एंड आई होप कि भाई सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
भाई गाइस कल देखेंगे जब हम इसी टाइम, तो उम्मीद करते हैं कि ये मामला गाइस 1 करोड़ के पार चला जाए।